नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे जो पेशाब में यानी यूरिन में जो खून आता है, यानी जो आपकी पेशाब है वो अगर आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, यानी उसमें अगर रेड ब्लड सेल्स मिक्स हो रहे हैं, तो उसके आने के कारण क्या है और क्या हम घरेलू ट्रीटमेंट उसके साथ कर सकते हैं, इसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। जो पेशाब में खून आता है उसको बोला जाता है हिमाटूरिया। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक होता है और एक मैक्रोस्कोपिक होता है। मैक्रोस्कोपिक यानी जो हम डायरेक्टली अपनी आंखों से देख सकते हैं कि पेशाब में खून है, वो आपको लाल कलर का दिख जाएगा। पर जो माइक्रोस्कोपिक होता है वो हमें डायरेक्टली हमारे यूरिन को हम जो देखने की कोशिश करेंगे तो पाल येलो कलर का ही दिखेगा, रेड कलर का नहीं दिखेगा, क्योंकि जो यूरिन का नेचुरल कलर होता है वो पाल येलो कलर का होता है, तो वैसे ही दिखेगा। पर माइक्रोस्कोप में अगर हम चेक करेंगे तो उसमें वो खून जो है वो हमें दिखाई देगा। तो दो टाइप्स होते हैं हिमाटूरिया के, एक माइक्रोस्कोपिक जो हम डायरेक्टली हमारे आंखों से जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एक माइक्रोस्कोप के अंडर आइडेंटिफाई होता है यूरिन, क्योंकि हम डायरेक्टली हमारे आंखों से उसको देखा नहीं जा सकता, उसको माइक्रोस्कोपिक बोला जाता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक हिमाटूरिया। अब इसके आने के कारण क्या है वो देखते हैं। देखिए, जो यूरिनरी ट्रैक होता है हमारा, यानी किडनी होती है, यूरेटर होता है, ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है, ये चार जो होते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी अगर ट्यूमर है, कहीं पे भी अगर गांठ है, उसकी वजह से भी जो है वो खून आ सकता है पेशाब में। किडनी का अगर कैंसर वगैरह हुआ है उस कंडीशन में भी जो है वो खून आ सकता है। तीसरा है किडनी स्टोन, अगर किसी को किडनी में स्टोन बना है या स्टोन कहीं पे भी है, यूरिनरी ट्रैक में कहीं पे भी स्टोन है, उस कंडीशन में भी खून आ सकता है, क्योंकि वो धारदार होता है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा जो अंदर किडनी के अंदर या जहाँ पे है वहाँ पे वो खून जो है वो वहाँ पे घिसता है, तो वहाँ से जो है वो खून निकल सकता है। उसके बाद होता है पैरासिटिक इन्फेक्शन। पैरासिटिक इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक में अगर कहीं इन्फेक्शन हुआ किसी पैरासाइट की वजह से, तो उस वजह से भी खून आ सकता है। चौथी चीज़ होती है ट्रोमा यानी इंजुरी। अगर कहीं पे वहाँ पे अगर इंजुरी अगर कहीं हो गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया या कहीं हमें को चोट लग गई और उसकी वजह से अगर खून आ रहा है, तो वो ट्रोमा यानी इंजुरी की वजह से भी खून आ सकता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि खून आने की मेन वजह क्या है। अगर खून आपको पेशाब में दिखाई देता है तो करना क्या है, कौन से घरेलू उपाय करना है, तो कौन सा भी घरेलू उपाय नहीं करना है, सीधे डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि खून क्यों आ रहा है ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने मन से घरेलू कोई भी उपाय नहीं करना है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाके वो आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा कारण है, क्या कोई ट्यूमर है या फिर कोई कैंसर वगैरह है या फिर कोई इंजुरी वगैरह हुई है या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन है या किडनी स्टोन है, और उसके बाद फिर डॉक्टर से सलाह लेके जो है वो आपको मेडिसिन लेनी है। या उसके बाद अगर किडनी स्टोन है तो कुछ घरेलू उपाय भी, छोटा स्टोन है उसकी वजह से खून आ रहा है तो कुछ घरेलू उपाय आप कर सकते हैं, पर पहले वो खून क्यों आ रहा है इसकी जाँच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले डायरेक्ट घरेलू नुस्खे पर नहीं आना है, डॉक्टर के पास जाना, आइडेंटिफाई करना कि खून क्यों आ रहा है, और उसके बाद उसकी जो है वो ट्रीटमेंट करना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। वीडियो हेल्पफुल रहा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।